हेलो लर्नर्स, जब हमें किसी अच्छी क्रॉप में यूनिफॉर्मिटी लानी होती है तो हम मास सिलेक्शन करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। पर मास सिलेक्शन करने से हमारी क्रॉप में वेरिएबिलिटी बनी रहती है, तो मैक्सिमम पॉसिबल इम्प्रूवमेंट करने के लिए साइंटिस्ट ने एक नई चीज, एक नया तरीका सोचा। उसे हम बोलते हैं प्योर लाइन सिलेक्शन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मास सिलेक्शन में हम बहुत सारे फिनोटिपिकली सिमिलर प्लांट्स को एक अच्छी वैरायटी में से चूज करते हैं, फिर उन प्लांट्स को ग्रो करते हैं, उनके सीड्स को मिक्स करते हैं और नेक्स्ट ईयर स्टैंडर्ड या चेक वैरायटी के साथ उन्हें दोबारा ग्रो करते हैं। उनमें से जो लाइन अच्छा परफॉर्म करती है उन्हें आगे एडवांस ट्रायल के लिए अलग अलग जगह भेज देते हैं, उन जगह की स्टैंडर्ड वैरायटीज के साथ कम्पीट करने के लिए। जिन जगह पर वैरायटी जो है वो स्टैंडर्ड वैरायटी या चेक वैरायटी से बेटर परफॉर्म करती है, उन जगहों के लिए उसको एज अ न्यू वैरायटी रिलीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट ईयर उस वैरायटी को मल्टीप्लिकेशन किया जाता है ताकि फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। पर मास सिलेक्शन के इस प्रोसेस में एक प्रॉब्लम हो जाती है, वो ये कि हम सीड्स को मिक्स कर रहे हैं। इसी मिक्सिंग की वजह से क्या होता है कि वेरिएबिलिटी बनी रहती है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम एक डिजायरेबल प्लांट को सिलेक्ट करें और उसके सीड्स को अलग से हार्वेस्ट करें, अलग से थ्रेश करें और उसके बाद अलग से उसे एक नई रो में या एक लाइन में एक साथ ग्रो करें और फिर देखा जाए कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है। इस तरह का एक सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप का प्लांट जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और क्योंकि हमने उसके एयरहेड्स को अलग रखा है और उनको अलग से हार्वेस्ट करके ग्रो किया है, तो उसकी जो हर एक प्रोजेनी होगी या उसका जो हर एक नया प्लांट जो बनेगा, उस एक प्लांट के सीड से जो हर एक नया प्लांट बनेगा वो पूरी तरह से सेम होगा, होमोजाइगस होगा, उसका जेनेटिक सेम होगा। तो इस तरह का एक सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट की प्रोजेनी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्योर लाइन। और ये जो हमने प्रोसेस किया कि हमने एक सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट की प्रोजेनी प्रोड्यूस की और उस प्रोजेनी को हमने टेस्ट किया कि वो प्रोजेनी एक लाइन में जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे सेम है या नहीं है, वो सारों का परफॉर्मेंस एक जैसा है या नहीं है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोजेनी टेस्टिंग। इसी तरह से बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसी का, प्योर लाइन सिलेक्शन का, हमारी वीट की वैरायटीज। तो जब लेट 1960s में मेक्सिकन वीट को ऑब्टेन किया था इंडिया ने, तो उन वैरायटीज को मॉडिफाई किया गया बाय प्योर लाइन सिलेक्शन और हमें मिली हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटीज, जो कि थी हमारी सोनालिका, कल्याण सोना, जो बहुत ही बढ़िया वैरायटीज थी। तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी वैरायटीज डेवलप की गई। तो चलिए देखते हैं कि प्योर लाइन सिलेक्शन होता क्या है, उसके स्टेप्स क्या क्या है। इसमें तीन स्टेप्स होते हैं। पहला कि इंडिविजुअल्स का सिलेक्शन करना जेनेटिकली वेरिएबल होमोजाइगस पॉपुलेशन में से। दूसरा, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनीज को इवैल्यूएट करना और फिर ट्रायल्स के लिए भेज देना उनको। फर्स्ट ईयर में क्या करते हैं, 200 से 3000 प्लांट सिलेक्ट किए जाते हैं किसी लोकल वैरायटी की जो होमोजाइगस हो और उसके सीड्स अलग से हार्वेस्ट किए जाते हैं। सेकेंड ईयर में सिलेक्टेड इंडिविजुअल प्लांट्स की प्रोजेनीज को सेपरेटली ग्रो किया जाता है प्रॉपर स्पेसिंग के साथ। जितने प्लांट्स हमने सिलेक्ट किए हैं उतने ही उनकी एक एक रो ग्रो की जाती है। सपोज हमने 5 प्लांट सिलेक्ट किए हैं या 6 प्लांट सिलेक्ट किए हैं, 8 प्लांट सिलेक्ट किए हैं, तो हम 8 रोज लगाएंगे और उनमें एक एक जो प्लांट है उसकी जो प्रोजेनीज है उनको एक साथ लगाया जाएगा और उन सब प्रोजेनीज के बीच में प्रॉपर क्या होगा, स्पेसिंग होगी। इन प्रोजेनीज को फिर क्या करेंगे, हम क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे कि उनमें कोई विजुअल डिफेक्ट तो नहीं है, और अगर कोई डिफेक्टिव प्रोजेनी होती है तो उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अब हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं कि हमें क्या डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, तो इस टाइम पे हम हर चीज का टेस्ट करते कि उसका प्लांट का टाइप क्या है, उसकी हाइट कैसी है, उसका ग्रेन टाइप कैसा है, उसके ईयर के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, फ्लावरिंग मैच्योरिटी टाइम क्या है और इवन डिजीज रेजिस्टेंस है या नहीं है, तो इन सब चीजों को भी टेस्ट किया जाता है। तो जो प्रोजेनी सुपीरियर लगती हैं, सपोज प्लांट नंबर 1 की प्रोजेनी या प्लांट नंबर 5 की प्रोजेनी सुपीरियर है, तो उनको सेलेक्ट किया जाता है, उनको अलग से हार्वेस्ट किया जाता है और अलग ही रखा जाता है। अब प्रोजेनी 1 के सारे प्लांट्स को एक साथ हार्वेस्ट करके बल्क किया जाता है और प्रोजेनी 5 के जितने भी प्लांट्स हैं उनको एक साथ हार्वेस्ट किया जाता है और अलग से बल्क किया जाता है। अब थर्ड सीजन में या थर्ड ईयर में क्या होता है कि जो दो प्रोजेनीज हमने ली थी, प्रोजेनी 1 और प्रोजेनी 5, उनको हम कंपेयर करते हैं किसी चेक वैरायटी के साथ। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल, और हम इस टाइम पे भी क्वालिटी भी टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ ईयर आ जाता है उसमें हमारी जो वैरायटी डेवलप हुई है उसको ऑल इंडिया ट्रायल या कोऑर्डिनेटेड ट्रायल के लिए सेंड कर दिया जाता है रिसर्च स्टेशन। तो वहां
पे क्या होता है, दूसरे फार्मर्स की या दूसरे ब्रीडर्स की जो अच्छी वैरायटीज है उनके साथ उन्हें टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसे भेजा जाता है कंट्री के बाकी जो सेंटर्स है उनमें भेजा जाता है। किस लिए? टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनिशियल वैरायटल ट्रायल। तो ये होता है हमारा फोर्थ ईयर में। उसके बाद अगर वैरायटी सुपीरियर पाई जाती है तो अलग अलग जोन में या कंट्री में तो उसको फिर हम क्या कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं। अब ये वैरायटी प्रमोट हो गई कि हाँ ये वैरायटी एक अच्छी वैरायटी है। फिर हम फिफ्थ ईयर में एडवांस वैरायटल ट्रायल्स करते हैं, जो हमारे ऑल इंडिया ट्रायल्स हैं, वो हमारे 3 साल चलते हैं। हमारे सपोज फर्स्ट जो हमारा फोर्थ ईयर में वो हमारा इनिशियल वैरायटल ट्रायल, फिफ्थ ईयर में हमारा एडवांस वैरायटल ट्रायल और सिक्स्थ ईयर में एडवांस वैरायटल ट्रायल सेकंड। और ये जो हमारे एडवांस वैरायटल ट्रायल 1 और 2 हैं, इनमें सारे टेस्ट कर लिए जाते हैं और देखा जाता है कि हमारी वैरायटी सुपीरियर है या नहीं है। और अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, सुपीरियर रहती है, तो क्या होता है कि उसे हम एक नई वैरायटी की तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट ईयर जो हमारा सेवेंथ ईयर है, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम सीड मल्टीप्लिकेशन करते हैं और रिलीज और नोटिफिकेशन के लिए प्रपोजल दे दिया जाता है। तो अगर हम बात करें इस पूरे प्रोसेस के मेरिट्स के बारे में, तो होता क्या है कि हमारी जो प्योर लाइन सिलेक्शन है, इसमें जो हमारी वैरायटीज होती है वो सुपीरियर होती है एज कम्पेयर टू हमारी जो मास सिलेक्शन से जो वैरायटी डेवलप की है हमने। अब क्योंकि ये बहुत यूनिफॉर्म होती है, प्योर होती है, होमोजीनियस होती है, तो इसका सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन काफी ईजी हो जाता है। सबको पसंद आती है ये वैरायटी, फार्मर्स हो, कंज्यूमर्स हो, ब्रीडर्स हो, सबको ऐसी ही वैरायटी चाहिए होती है जो इतनी यूनिफॉर्म हो, इतनी प्योर हो। बट देन क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म होती है, इसमें वेरिएबिलिटी नहीं होती, तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो जाती है, वो ये कि ये वैरायटी कम अडेप्टेबल होती है और इसीलिए कम स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू मास सिलेक्शन। क्योंकि हम जानते हैं कि मास सिलेक्शन में क्या होता है, मास सिलेक्शन जब हम करते हैं तो उसमें जेनेटिक डिफरेंसेस रह जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से अगर एनवायरनमेंट में कोई फ्लक्चुएशन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई नई और वैरायटी आ जाए, तो उसकी वजह से ऐसा ना हो कि हमारे कोई और वैरायटी आ गई और ये पूरी की पूरी वैरायटी स्वाइप आउट हो गई। अब जो हमारी जो मास सिलेक्शन वाली वैरायटीज होती है वो क्या होती है, उनमें वेरिएशंस होते हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है, कोई एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं, कुछ होता है, तो उसकी वजह से वो अडैप्ट कर पाते हैं। पर अगर देखा जाए तो प्योर लाइन सिलेक्शन जब आया तो बहुत सारी वैरायटीज को प्योर लाइन सिलेक्शन से बनाया गया और ये काफी अच्छा तरीका है।